सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बात करेंगे राजस्थान के। दरअसल मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि राजस्थान भी कांग्रेस के लिए चुनौती। चुनौती इसलिए कि इन तीन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार, तीनों जगह ही चुनाव सन्निकट है विधानसभा का। कांग्रेस पार्टी की हार्दिक इच्छा है, कोशिश है, अभिलाषा है इस बात को लेकर कि जैसे भी हो हम वहां अपनी सत्ता बनाए रखने में कामयाब। मध्य प्रदेश में वो किस तरह नहीं चढ़ पाई, क्योंकि 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी, तो नतीजा ये रहा कि कांग्रेस के हाथ से अब ले देकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सत्र में कोशिश। दोनों जगह अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ नेता है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर परेशान थे, तो वहीं सचिन पायलट की बेताबी बेसब्री वर्षों से राजस्थान और देश के, तो आज उस राजस्थान के सत्र में कांग्रेस ने बैठक, कांग्रेस की बैठक जो अध्यक्ष हैं वो भी थे, और इसके साथ साथ मौजूद थे राहुल गांधी। राहुल गांधी और खड़गे जी के साथ 30 नेताओं ने जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं बैठक, उनमें से 29 नेता प्रत्यक्ष जुड़े हुए थे, वही एक नेता वर्चुअल, जो नेता वर्चुअल अशोक गहलोत पार्टी के बड़े ने अभी राजस्थान के, और उनके प्रतिनिधि के तौर पर सचिन पायलट जो किसी समय पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे और साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते, पर मुख्यमंत्री बनने की हसरत रखते थे। देश और प्रदेश बखूब जानता है सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा के तहत बगावती तेवर दिखाए और नतीजे में उनके हिस्से दोनों पद गंवाने का दृष्टि। सुलह के संदर्भ में, आगे बढ़ने के संदर्भ में कई दौर की बैठकें होती। हर बैठक के बाद कांग्रेस आलाकमान राजस्थान को और देश के बताने की कोशिश करता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, सेट हो गया है। ऐसा होता नहीं, हर बार कोई नया मसला। सचिन पायलट कभी जनसभा करते हुए दिखाई देते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, कभी अनशन करते हुए दिखाई देते हैं, कभी मौन व्रत लेते हुए दिखाई देते हैं, और यहां तक कभी पदयात्रा भी कर लेते हैं। अब एक बार फिर दावा किया गया है चार कांग्रेस के संगठन मंत्री द्वारा सब कुछ सेट, सब कुछ फिक्स, सब कुछ ठीक हो गया है। तो इस सब कुछ ठीक होने पर ही हम आज बात करेंगे, समझने की कोशिश करें कि जो सुलह होने का दावा है उसने कलह को वाकई मिटा दिया है, अगर मिटा दिया है तो कैसे मिटा, क्योंकि उन्होंने तमाम बातें कही गोपाल ने, पर उन्होंने नहीं बताया कि पायलट के साथ फॉर्मूला क्या निकला। पायलट को पार्टी ऐसा क्या दे सकती है जिससे पायलट भी संतुष्ट हो जाए। तो ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के संदर्भ में सहमति दे दी, या चुनाव के बाद सहमति दी, या पायलट के मन में वैराग्य आ गया है कि अब उन्हें पद वद नहीं चाहिए, वो केवल सेवा के लिए ही राजनीति में बने रहना चाहते। सवाल दिलचस्प है, इस सवाल को ही आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा करने के हैं, उनसे लेकिन आपका परिचय कराएं। इससे पहले आज के विचार सूत्र, तो हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है, यदि आप लोगों को खुश करना चाहते हैं तो आपको उन्हें समझने की बात करनी। चार्ल्स भिड़े के द्वारा क्या की बात देंगे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी, क्या वाकई लोगों को समझना शुरू कर दिए या अपनी समझ से दूसरों को समझाने की कोशिश करते रह रहे। सवाल दिलचस्प है, इस सवाल का उत्तर कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश। इस कार्यक्रम में हमारे हिस्सा बने हैं चार खास मेहमान। आरती चौधरी जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं राजस्थान कांग्रेस के। हमारे साथ डॉक्टर निमिषा गौर हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। राजेश मेहता जी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, एक कांग्रेस से कहीं अधिक ताल्लुक सचिन पायलट से रखते हैं। और हमारे साथ तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ राकेश अटल जी, आप सभी का स्वागत है। आपसे चर्चा की शुरुआत करें खासतौर पर आरती चौधरी, उससे पहले लेकिन सुनते हैं वो दो बयान, एक किसी वेणुगोपाल जी का, important decision today. Number one, our ministers, MLAs, leaders, workers plan to take a house-to-house-to campaign for propagating government schemes and achievements to the people of Rajasthan. Party has decided to have a completely positive campaign from tomorrow onwards. Party decided to engage all communities, all social groups, and have interaction with them about the election manifesto and everything in coming 90 days.
पार्टी गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन विल बी स्ट्रेंथन 29 लीडर्स फ्रॉम राजस्थान हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर पीसीसी प्रेसिडेंट एंड अदर सीनियर लीडर्स एवरीबॉडी यूनानिमसली डिसाइडेड दैट we have to win Rajasthan and we can win Rajasthan easily. पिछले दो दशक से ज्यादा मुझे जो जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। वेणुगोपाल जी सारी बात स्पष्ट रूप से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। तो क्या स्पष्ट हुआ ये हमारी समझ में नहीं आया। तो आरती चौधरी जी आपके पास चले आए हम समझने के लिए भाई क्या तय हुआ। एक बार फिर हो गया, हाईकमान तय करेगा। जो बात हाईकमान पिछले दो साल से तय नहीं कर पा रहा, अब अगले दो महीने में क्या चमत्कार कर क्या देने वाले हैं आप को, थोड़ा समझाएंगे। हिमांशु जी मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जब 2018 में चुनाव से पूर्व जनता की अदालत में जो वादे किए थे, जन घोषणा पत्र हम लेके आए थे, उसे सरकारी दस्तावेज बना के जन संकल्प पत्र बनाया, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 73 सीट के साथ में सशक्त विपक्षी भूमिका दी और 25 सांसद यहां से जीता के दिल्ली भेजी। हर सरकार का अब लेखा जोखा रखने का जनता की अदालत में राजस्थान के 8 करोड़ के लोगों के सामने समय है। भारतीय जनता पार्टी की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि विधानसभा में 20 विधायकों ने यह कहा कि हमें हमारे क्षेत्र की मांग को नहीं रखने दिया जाता। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, मुद्दों पे मतभेद जो मुद्दों को लेकर अगर एसएमपी थी उसको पार्टी के अंदर नेताओं ने रखा। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का वो वक्तव्य सुनाइए, सचिन पायलट जी ने या किसी दूसरे अन्य नेता ने कहा हो कि मुझे तो ये पद चाहिए और उसके लिए मैं, तभी चर्चा मेरी आगे बढ़ेगी जब ये पद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता की, हर नेता की जवाबदेही और जिम्मेदारी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। सभी नेताओं ने जो आपने जिक्र किया, 29 नेता वहां पे उपस्थित थे, मुख्यमंत्री जी के पांव पे चोट की वजह से वो वहां पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन लगातार 4 घंटे वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। हम सबका एक संकल्प है कि राहुल गांधी जी ने एक लंबी यात्रा जो की, इस देश की ऐतिहासिक जो यात्रा की, जनता का जो आशीर्वाद मिला था, जनता के जो मुद्दे मुखर होके आए थे, हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए, उन मुद्दों को आवाज देने के लिए, संवैधानिक संस्थानों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जन जन तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे। हमारा संकल्प यह है कि 25 साल से जो राजस्थान के अंदर एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, ये जो बदलने की प्रवृत्ति है, और नेता इस आस में बैठ जाते हैं कि राज तो हमारा आ ही रहा है, क्योंकि राजस्थान की जनता बदलने वाली है, इस मिथक को तोड़ने के लिए राजस्थान में रिवाज बदलने को राजस्थान की जनता आतुर है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के कामों को लेके जनता की अदालत में जाने के लिए अपनी पीठ गर्व से चौड़ी करके उन मुद्दों पे चर्चा कर सकता है जो जनता की अदालत में बातें की। चौधरी साहब आपने सारी बात कही, मेरे सवाल का उत्तर नहीं। ये पायलट जितने उखड़ते रूठते, खराब शब्द ना समझे तो बिल बिलाते दिखाई दे, इतना नाराज रहते ना आपकी सरकार से, इतना तो भाजपा भी नाराज नहीं रहते आपकी सरकार के कामकाज को लेकर। देखो पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक वालों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, युवाओं के संदर्भ में कुछ नहीं हो रहा है, वसुंधरा के दौर के कामकाज की जांच के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो सब पे क्या हुआ तो जानना ही है। दूसरा जानना ही है कि छत्तीसगढ़ में भी पार्टी ने निपटाया कि भाई डिप्टी सी बना देते हैं टीएस, तात्काल रूप से हो गया। पायलट के संदर्भ में पायलट साहब के पास पहले दो पद थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी संतुष्ट नहीं, क्या देने जा रही है जिसके आधार पर आप कर रहे हैं कि पायलट परेशान ही नहीं बने, थोड़ा इसके विषय में बता। बड़े बेचैन है हम तो, क्योंकि पायलट साहब ने आपकी पार्टी की सत्ता से विदाई के संदर्भ में लोगों को बड़ा आश्वस्त किया हुआ है, कोई करने की जरूरत नहीं है भाजपा को, कांग्रेस ही कांग्रेस का काम लगा देंगे। तो चौधरी साहब बताओ ना काम कैसे बनेगा। हिमांशु जी मैंने आपकी बात को गरीब से सुना, उम्मीद करता हूँ आप मुझे अवसर देंगे। हिमांशु जी लोकतंत्र में एक व्यक्ति की आवाज नहीं होती,
लोकतंत्र में एएसएमपी की भी आवाज होती है, उसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं निभा पाई। केंद्र में भी दो लोगों के सामने कोई भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री हो या सांसद हो उन मुद्दों पे बात नहीं कर सकता। वो दो लोग जो कह देते हैं उसको परकुलेट करते हैं। वो कहते थे किसानों के जो तीन काले कानून है ये किसानों के लिए बहुत लाभान्वित है, काट नहीं सकता था कोई बात। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी ने जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, हमने 653 खाने भारतीय जनता पार्टी के समय में भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ी थी उसको भाजपा के भ्रष्टाचारी निवाले से निकाल के लेके आए। आज राजस्थान को उस 653 खानों से 2,00,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो आरपीएससी की घटना हुई, जो व्यक्ति संलिप्त मिला, तो हमारी जरूरी है कि उस संस्थान की इमेज एक ऐसी हो जो राजस्थान की आरपीएससी देश में नजीर है, वो पुनः बने। उस बात को लेकर उन्होंने रखा, वो मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को माना और मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट करके ये कहा कि आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, डीओपी हो, इनके अंदर कौन लोग आएंगे एक प्रक्रिया और तय की जाएगी। पेपर लीक के लिए उन्होंने कहा कि जो हमने आजीवन कारावास का प्रावधान किया, 10 साल के जो कारावास का प्रावधान किए हैं उसे और सख्त बनाए। हम सदन में भी चर्चा कर रहे थे इस पेपर लीक को लेकर, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहते थे कि इतने सख्त कानून की जरूरत क्या है और सदन को बायकॉट करके चले गए। बेहतर होता कि वो सार्थक सुझाव देते ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होती। लेकिन मैं ये कहता हूं जनता की आवाज को अगर उठाना गलती है तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता करता है। उन्होंने स्वयं के लिए कभी किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की चौधरी साहब, ये पायलट साहब के संदर्भ में गहलोत साहब ने बताया था, ये एक नकारा और निकम्मा आदमी है, ज्यादा अंग्रेजी बोलने से कोई ज्यादा अच्छा नेता नहीं हो जाता है। ये भी जनता के लिए था ना, ये किसी कांग्रेसी का द्वारा नहीं था, ये भी जनता को बताया था भाई कैसे नेता को आपको मानना चाहिए और कैसे नेता को नहीं मानना चाहिए। मैं अपने सवाल को वापस दोहराता हूं, उस सवाल से जितना भी आप बचने की कोशिश करें चौधरी साहब, पर वो सवाल तो रहेगा ना राजस्थान में कि सचिन पायलट को क्या मिल रहा है, सचिन पायलट को कैसे संतुष्ट कर रहे हैं। इस सवाल के संदर्भ में कुछ तो बताइए, देखिए सचिन पायलट को हम ये करने जा रहे हैं, ऐसा भी क्या बात है? आप इतने दाएं बाएं से निकल जाना चाहते हैं असल सवाल को छोड़ के। आपकी जो पत्रकारिता है मैं उसके दाद देता हूं, आपकी अदालत से कोई बच के नहीं निकल सकता। लेकिन सचिन पायलट जी ने जब स्वयं ने ये बात कह दी और सचिन पायलट जी ने आपके प्लेटफॉर्म पे इस बात को जब स्वीकार किया है कि मेरा निर्णय पार्टी जो करेगी, पार्टी का नेतृत्व जो करेगा उसका निर्णय मैं करूंगा, 2 दशकों से लगातार मैं पार्टी के आदेशों की पालना करता रहा हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्टी के जो आलाकमान जो कहेंगे मैं उसके अनुपालना करूंगा। इसलिए इसका जवाब हमें समझा रहे हैं कि देखो पायलट साहब ने कहा है कि मैं 2 दशक से पार्टी के आदेश का पालन करता आ रहा हूं, और ये पार्टी हाईकमान का ही आदेश था कि तुम अपने 29 विधायकों को साथ में बिठाओ और मानेसर के होटल में शिफ्ट हो जाओ। ये सचिन पायलट को हाईकमान ने बोला था, तभी उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि सचिन चौधरी आरती चौधरी साहब हमें यही समझाने की कोशिश, देखो पायलट साहब जो भी करते हैं ना हाईकमान के कहने पर करते हैं। तो राजेश मेहता साहब आपके पास आता हूं, फिर मुझे जाना है डॉक्टर निमिषा जी के पास, तो क्या हो रहा है आपके नेताजी का, हम लोगों को ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है। चौधरी साहब तो बहुत आश्वस्त हैं, हो गया जो हमें करना था, आपको क्या बता रहे हैं पायलट साहब, काम बन गया या काम लग गया? हिमांशु जी, आज की जो बैठक हुई उससे स्पष्ट हो गया है कि आने वाले चुनाव में पायलट साहब के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। आलाकमान का चेहरा जरूर होगा, लेकिन आम जनता को यह मैसेज दे दिया है कि पायलट साहब के नेतृत्व में ही चुनाव होने जा रहा है। चुनाव अगर 2023 में जीतना है तो पायलट साहब का चेहरा और राहुल गांधी जी के चेहरे पे ही हमें चुनाव में जाना पड़ेगा। और गहलोत साहब को कहां करना पड़ेगा, कहां रखना पड़ेगा, थोड़ा पता चल जाए राजेश मेहता जी। गहलोत साहब सीनियर नेता है, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में घूमेंगे। कहां के नेता है? वो भी राजस्थान के नेता है, वो भी अपने क्षेत्र में घूमेंगे और जिताएंगे पार्टी को। अच्छा, तो अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गहलोत साहब पसीना बहाने वाले, आप आश्वस्त इस बात है गहलोत साहब का मन बदल गया है, जिसको वो एक नाकारा या निकम्मा आदमी बताते थे उसे अब वो राजस्थान का भविष्य के तौर पर देख रहे हैं, ऐसा आपको उनके तौर तरीकों से भरोसा हो गया राजेश मेहता जी? आलाकमान जो केसी वेणुगोपाल साहब के आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि आने वाले समय में सचिन पायलट राजस्थान के चेहरे के रूप में यहाँ कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगे। अरे राजेश मेहता साहब, ये मल्लिकार्जुन खड़गे
जयपुर आए थे बैठक करने के लिए, एक बैठक तक नहीं करा पाए थे। माननीय अशोक गहलोत जी के स्थान पर किसी और को चुने जाने के संदर्भ में, यह है कांग्रेस आला कमान की हैसियत। राजस्थान के विधायकों ने बताया कि कांग्रेस आला कमान की मंशा का उनकी निगाह में क्या महत्व है। जिन दो विधायकों ने, मंत्रियों ने स्पष्ट तौर पर इंकार कर दिया था बैठक के संदर्भ में, वो आज भी मंत्री हैं और हाईकमान की दम नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए। वो प्रभारी बदल गया जिसका नाम माकन साहब है, कार्रवाई की मांग करने वाले का, लेकिन इन मंत्रियों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो आप उस आला कमान के भरोसे एक बार फिर सचिन पायलट को आगे बढ़ते हुए देखने की उम्मीद पाले हुए हैं। हिमांशु जी, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आला कमान के सामने जो विरोध किया, बगावत की थी ना, वो जल्दी ही कांग्रेस पार्टी से या तो बाहर हो जाएंगे और आने वाले चुनाव में इनको टिकट नहीं मिलेगा, चाहे शांति धारीवाल जी हो, चाहे महेश जोशी जी हो। आला कमान सर्वोपरि होता है कांग्रेस पार्टी का। देखो, मुझे जाना तो था डॉक्टर निमिषा जी के पास, लेकिन एक बार चौधरी साहब की प्रतिक्रिया ले लूं। कितनी मस्त सुलह हुई है ना चौधरी साहब, देख रहे ना आप। पार्टी के अंतर्गत तय हो गया है कि अशोक गहलोत अब बैक सीट पर रहेंगे, सचिन पायलट चेहरा रहेंगे, यही तय हुआ है ना, जैसा राजीव मेहता जी बता रहे हैं। बहुत कट्टर जबरदस्त है सचिन पायलट के। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति जो समर्थक होता है वो कभी भी पार्टी का विरोधी नहीं होता, और व्यक्ति समर्थक जो भी होता है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं लेके व्यक्ति के लिए समर्पित होता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का एक ही संकल्प है, राजस्थान की आठ जनता की सेवा, केंद्रीय नेतृत्व का आदेश और संवैधानिक संस्थानों पे और लोकतंत्र पे होते हुए प्रहार से इनको बचाना। ये निश्चित रूप से अपनी कुछ चीजों को लेके जो आपने इनको पैनल में बैठाया, मैं नहीं जानता कि किस पद पे हैं, किस जगह पे हैं, किस हैसियत से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर पायलट साहब के समर्थक हैं तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि राजस्थान के अंदर उनके बहुत से समर्थक हैं, निजी समर्थक हो सकते हैं, लेकिन निजी समर्थक का पार्टी के विचार के, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कोई स्थान नहीं है। पार्टी के प्लेटफॉर्म पे पार्टी की विचारधारा, पार्टी की रीति नीति और पार्टी का संकल्प ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो चौधरी साहब, राज मेहता साहब आपकी हैसियत जानना चाहते हैं। मैं अगली बार लौटूंगा तो आप बताइएगा चौधरी साहब को कि आपका दर्जा क्या है, आपका स्थान क्या है, आपका वजूद क्या है। देखिए, अभी मैं डॉक्टर निमिषा जी के पास आना चाहता हूँ। निमिषा जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आज कितनी परेशान हो गई आप कांग्रेस आला कमान के द्वारा ये बताने पर कि सब कुछ सुलटा लिया गया है, सुलह हो गई है, एकदम एकजुट है। चौधरी साहब बता रहे हैं एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रहे हैं, आप कितनी बेचैन है इस बात से? हिमांशु जी, ये मुहावरा याद आ रहा है, ढाक के तीन पात, जहां से चले थे वापस वहीं आकर रुक गए। सुलह करते करते करते, घोषणा होते होते वहीं आके अटकी हुई घोषणा, जिसका इंतजार बरसों से कर रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री जी। 4.5 साल हो गए हिमांशु जी, राजस्थान की जनता झेल रही है। 18 महीने तक क्वारंटाइन रहने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अब सुलह करा करके चुनावी रण में उतरने की तैयारियां कर रहे हैं, और भुगता किसने? राजस्थान की जनता ने भुगता। कांग्रेस का जन घोषणा पत्र, क्या कहूं कि कांग्रेस का हलावा घोषणा से लेकर के महंगाई राहत कैंप तक का सफर थोथी घोषणाओं से भरा हुआ है हिमांशु जी। चाहे इनकी राजनीति की बात की जाए, चाहे इनकी सत्ता की बात की जाए, ना जड़े मजबूत है ना तना, जड़े मजबूत नहीं तो तना भी टिकावा नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस ध्वस्त हो चुकी है, बीएसपी के सहारे बैसाखी ली थी इन्होंने, निर्दलियों के सहारे लोग सत्ता में टिके थे, और टिके रहने की जो जद्दोजहद की इन्होंने, उस जद्दोजहद की पोले राजस्थान की विधानसभा से लेकर के सड़कों तक हुई है। आप देखिए, इनके खुद के विधायक, चाहे वो दिव्या मत्ता हो, चाहे इनके मुख्यमंत्री सलाहकार हो राजेंद्र सिंह का, सबने पोले खोली है। और यही बात आज कांग्रेस की सुलह की, सत्ता के लिए सुलह करते आए, घास पलट के देखेंगे आप। चुनाव के आसपास एक गाड़ी चलाएगा, बगल में बैठेंगे राहुल गांधी जी, बीच में खड़े होकर के फोटो खिंचवाएंगे, हम एक फिर बिखर जाएंगे। लेकिन अब राजस्थान की जनता जागरूक होगी। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के तीसरे पेज पर पहला पॉइंट है किसानों का कर्जा माफ। आरती चौधरी जी, हमारे 53 लाख ज्यादा किसान भाइयों का संपूर्ण कर्जा माफ कर रहे थे, कहाँ है? बेरोजगारी भत्ता कहाँ? रोजगार कहाँ है? महिलाओं की सुरक्षा दुहाई देकर क्या सत्ता में आए थे? और आज एनसीआरबी के
तो आपसे न सत्ता संभल रहा है और कांग्रेस की आप बता रहे हैं कि मजबूत है। कांग्रेस सेवा दल का एक सम्मेलन हुआ था अजमेर में दो एक वर्ष पहले, कुर्सियां खाली रह गई थी, 35 साल बाद हुआ था। मैं आपका अंदरूनी मामला है ये राशि चौधरी जी, लेकिन कांग्रेस आला कमान की ना राजस्थान के मुखिया सुनते हैं और ना राजस्थान के मुखिया को कैसे मत करने की हिम्मत। 90 विधायकों का इस्तीफा आपका और ऐसे अपशब्द लेकर के राजनीतिक मूल्यों को आपने दरकिनार रख करके आपके मुख्यमंत्री जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो मैं आपके चैनल पर रिपीट नहीं, नकारा निकम्मा नालायक सोच। तो राजस्थान की जनता को परगलाने के इनके तरीके हैं कांग्रेस के, जिससे राजस्थान की जनता जागरूक हो चुकी और इन्हीं के बारे में बताइए डॉक्टर निमिषा जी, मेरा एक सवाल है। राजेश मेहता जी बोल रहे हैं कि पायलट साहब के नेतृत्व में चुनाव होगा, आरती चौधरी जी समझा रहे हैं कि गहलोत साहब ही नेता है, भाजपा के लिए कौन ज्यादा बड़ी चुनौती है? पायलट ज्यादा मजबूत दिखते हैं आपको या गहलोत साहब ज्यादा मजबूत दिखते हैं? किसके नेतृत्व में चुनाव हो आपके लिए मुक्त रहेगा? आपको कि दोनों ही मजबूत क्या कोई जन नेता नहीं है, कुछ परसेंट वोटों से ये सत्ता में आए हैं और यदि आते तो फिर ये क्लियर मेजोरिटी आते कोई, और अभी ये 5-4 साल ऐड कर दीजिए 39 ईयर्स से कांग्रेस का शासन रहा है और जयपुर की राजधानी से आप 50-60 किलोमीटर आगे जाइए आज भी वहां पर स्वच्छ जल के लिए सड़कें नहीं बनी हुई है, बिजली नहीं पहुंची है, छोटी छोटी आम जरूरत तरसता है राजस्थान और उसी गांव में। एक सवाल है, यह अशोक गहलोत जी को तो आप कोई नेता मानते नहीं, पर ये सचिन पायलट को भी आपने नेता मानने से इनकार कर दिया, जिसको आप नेता के लायक समझते नहीं, उसकी आप भगत में 15 दिन आपने अपने क्यों खराब किए थे? माने सर में सारी व्यवस्थाएं आपकी हरियाणा की सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, बड़ी उम्मीदों के साथ आप वैसे ही देख रहे थे सचिन पायलट को जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा करते थे, क्या हुआ बात बनी नहीं इसलिए पायलट आपको नेता लगे नहीं? पायलट अपने साथ उतनी संख्या नहीं ला सके विधायकों की जिसमें सरकार भाजपा की बन पा दे, इसलिए आपने अब सचिन पायलट को नेता मानने से इनकार कर दिया। 29 ही लाए, 39 लाए होते तो बात कुछ और होती। ऐसे ही हिमांशु जी, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई रही है, अपने उप मुख्यमंत्री जी को SOG का नोटिस देना और उप मुख्यमंत्री का अपने विधायकों के साथ रूस के चला जाना, तो इनकी अंदरूनी लड़ाई को लगातार ये नाम देते रहे। तो मैं पूछती हूँ 90 विधायकों का इस्तीफा क्यों हुआ बताइए आप, तो वापस क्यों लिया आपने, क्या कारण था, किसको मंत्री बनना था, किसको मुख्यमंत्री बनना था, किस डर से इस्तीफा लिया गया था, क्यों आप बार बार रिसोर्ट जाते हैं, इनका जवाब दीजिए ना आप। लगातार आप भाजपा पे तो प्रश्न उठाते हैं लेकिन मैं पूछती हूँ कांग्रेस से 3 से 4 बार इनका होटल में पलायन हुआ है, 3 से 4 बार पलायन हुआ है। निमिषा जी का कहना है कुल मिलाकर ढाक के 3 पाद है, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही लड़ते रहेंगे और उनकी राह आसान करते रहेंगे। मुझे चौधरी साहब के पास जवाब के लिए जाना है लेकिन उससे पहले राघव हेतल जी की तटस्थ राय जानना है, क्या वाकई कांग्रेस एक संदेश दे पाने में कामयाब रही? ये बैठक कई बार टली जो राजस्थान के संदर्भ में थी, पहले 1 जुलाई को भी होनी थी और इस बार भी बैठक हुई, तो जिन अशोक गहलोत ने जयपुर में पार्टी के ऑब्जर्वर की बैठक नहीं होने दी थी वो अशोक गहलोत आज भी बैठक में शामिल नहीं हुए प्रत्यक्ष तौर पे, सो कॉल्ड पैर में चोट लगी हुई थी इसलिए वर्चुअली जुड़े हैं। क्या कहते हैं अचल जी, उनका वर्चुअली जुड़ना अनायास था क्या सायास था? क्या आप मान रहे हैं अभी भी यही कहा गया सारे मसलों पे फैसले का अधिकार हाईकमान को दे दिया गया है? हाईकमान अधिकार विहीन कब था जो इस बैठक के माध्यम से उसे अधिकार संपन्न किया गया है? थोड़ा इसके विषय में बताइए अचल जी, क्या देख पा रहे हो? सब अब तो कहें कांग्रेस नाम हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हाई कमान हो, हमेशा सर्व शक्तिमान होता है और राज्य के नेताओं की व्यवस्था होती है कि वो कोई भी निर्णय करने में जब समर्थ नहीं होते हैं तो धीरे से अर्पण कर देते हैं हाई कमान के चरणों में, जो ये आप फैसला करें। खास बात यह है राजस्थान के संदर्भ में, 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, तभी से लेकर भारतीय जनता पार्टी ये विवश होकर देख रही है कि उसे मध्य प्रदेश में जैसे एक क्वेश्चन दिया एक कांग्रेस शासित हर राज्य
और दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी का कि राजस्थान में लंबे कांग्रेसी आंतरिक असंतोष के बावजूद उसे विभीषण नहीं मिलता। सचिन पर उसकी बहुत सजा रही, सचिन की उसने बहुत मदद की, लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि सचिन उसने नंबर शायद नहीं जिता पाए जितने से कि भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा होगा। तो मैं कुल सारी परिस्थितियों को बड़ी बारीकी से देखता हूँ, तो मैं सचिन पायलट के धैर्य को और गहलोत जी के की जो जादूगरी है उसको उसको बहुत सराहता हूँ कि उन्होंने जैसे तैसे भी हुआ अपना बेड़ा बिल्कुल पार कर दिया और चुनाव के दरवाजे तक पहुँच गए। और मुझे लगता है कि आज की स्थिति में अगर सचिन पायलट ने अपने अपना आकलन कर लिया है तो वो कांग्रेस से बाहर किसी सूरत में नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस से बाहर जाकर जो भी नेता गए हैं कांग्रेस से उनकी भारतीय जनता पार्टी में क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, इससे वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्हें मालूम है कि जो उनकी लीगेसी उनके पिता की है वो कांग्रेस में रहकर ही उनको फायदा पहुंचा सकता। मैं थोड़ा रुकूंगा अचल जी, क्या खराब हालत है जो लोग कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, बल्कि भाजपा ही देख के बेचैन रहते हैं कि क्या गजब की स्थितियों में इस समय कांग्रेसियों को जलवाय जलाल बिखेरने का मौका भाजपा दे रही है। अब आप जहां पर बैठे हैं वहां पर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे नरेंद्र सिंह तोमर आजकल कितने फीके फीके दिखाई देते हैं। भोपाल में भी माला पहनाने के लिए लोग ज्योतिराज सिंधिया को आते हैं, फिर ज्योतिराज सिंधिया इशारा करते हैं बगल में तोमर जी इनको डाल दो। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं और सुपर सीएम हो जाते हैं, बाकी छह पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके भी एक्चुअल सीएम के तौर पर वो व्यवहार करते हैं। तो उसके बाद में आप सचिन पायलट को लेकर इतने हताश क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं आपने जो कहा वो आपको यहाँ बैठ कर दिखता सही हो, लेकिन मैं जब मध्य प्रदेश में बैठ कर देखता हूँ तो ज्योतिराज सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आभा मंडल जिस तेजी से गिरा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो महाराज की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3 साल में भी ज्योतिराज सिंधिया को अपना आदमी अपना नेता नहीं मान पाए है, और आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के हाईकमान को बार बार कार्यकर्ताओं को चंबल ग्वालियर में आकर भोपाल में आकर कहना पड़ता है कि भाई ये अपने आदमी हो गए हैं, इनको अपना बना लीजिए। यही स्थिति ये दुर्दशा सचिन पायलट की दिखाई देती है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो सही के नहीं रहेंगे, ना धोबी के स्वान जैसी स्थिति हो जाएगी, घर के ना घास के। आप देखेंगे ना, महाराष्ट्र का ताजा प्रसंग देख लीजिए, एकनाथ शिंदे पिछले दिनों अपने शिवसेना तोड़ के आए मुख्यमंत्री बन गए। अब इस समय उनकी दुग्धगी इतनी तेज है अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से शामिल किया कि कल को उनको फिर से सड़क पर खड़ा न कर दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कांग्रेस के, आपने हेमंत बिस्वा का नाम दिया बिल्कुल सही है, लेकिन सुपर सीएम पूर्व के होते हुए भी मणिपुर की आग 2 महीना 2 दिन हो गए, कोई नहीं बचा पाया। आप तो बहुत डरा रहे हो सचिन पायलट जी को और पायलट समर्थकों को, चौधरी साहब की सीधे तौर पर मदद करने के लिए उतारू हो गए। आप बता रहे हो कि देखो चले तो जाओगे पर बहुत इज्जत विज्जत नहीं पाओगे, पर मैं चौधरी साहब वापस आपके पास आता हूं। आज भी बोल दिया गया है फैसला करेगा। अब सवाल ये सचिन पायलट इतने गए गुजरे क्यों हैं जो इतने साल में भी आप उनके रोल का फैसला नहीं कर पाते? मतलब इतना ज्यादा अशोक गहलोत की बात को आप लोगों ने मान लिया, यानी हाईकमान ने, कि ये व्यक्ति निकम्मा है, नकारा है, तो इसलिए समझ में नहीं आता क्या काम दें, इसलिए बगैर काम के छोड़ा हुआ। थोड़ा बताएंगे चौधरी साहब? हिमांशु जी, मेरे हाथ जोड़ के आपके गुजारिश है, क्योंकि ये जो चर्चा का विषय है वो कोई कॉमेडी शो नहीं है, इसलिए मैं आपसे कम से कम ये गुजारिश करूंगा कि आपने मुख्यमंत्री के दोनों पांव पे जो चोट लगी उसे सो कॉल्ड चोट कहा, आपके हिसाब से वो चोट सिर्फ दिखावा है। आप ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को अनाथ क्यों छोड़ दिया, ये पार्टी के तमाम जो नेता और नेतृत्व की लेके जो चीजें करते हैं इससे किसी भी चीजों पे मैनुपेट करना, हो सकता है कि आपके चैनल्स की इन चीजों से संसदीय चीजों से टीआरपी बढ़े, लेकिन आपके जो दर्शकों के पास में जो कॉन्क्रीट चीज जानी चाहिए मुझे लगता है वो ठीक नहीं। हमारे नेता ने कहा, खड़गे जो हमारे प्रभारी है रंधावा साहब, उन्होंने कहा कि अतीत की चीजों को मैं नहीं कह सकता लेकिन वर्तमान के अंदर जो चीजों को जो हमने निर्णय किया वो आगे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो खंड खंड में बंटी हुई है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष यात्रा नहीं कर सकते थे, वसुंधरा राजे जी चुनौती करती है, मणि रैली करती है और मन से वसुंधरा जी को बोलने नहीं दिया जाता है, किस प्रकार से बटी हुई, लेकिन आप एक प्रश्न नहीं उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बातें कही किसान की,
तीन काले कानून उन्होंने आजाद भारत के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन रहा होगा सरकार के खिलाफ में। 750 लोगों की मौत इसलिए होगी कि सरकार ने कॉरपोरेट ऑफिस में बैठ के तीन काले कानून थोपे। ये भूल जाते हैं बार बार ये जिक्र करते हैं बेरोजगारों का। आज जो केंद्र सरकार के चाहे रेलवे हो चाहे जो डिफेंस हो उसके अंदर कितने लाखों पद खाली पड़े हैं। जो रोजगार देते हैं सार्वजनिक उपक्रम उन्हें बेच दिए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडे को फैलाया जाता है राष्ट्रवाद के नाम पे और कोई उन्हें ना रोकता है ना टोकता है। ये महिलाओं की बात करते हैं, एनसीआरबी का डाटा ये बताता है कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर देश की राजधानी दिल्ली है। अगर मेरी बात गलत हो तो आप उसको डिनाई कीजिएगा। ये बताता है कि किसी राष्ट्रीय गौरव की महिलाएं जो खिलाड़ी थी और जिन्होंने दुनिया में परचम फहराया हिंदुस्तान का, वो दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। इतनी सशक्त महिलाओं को तो आम के साथ में क्या होगा। उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया। सांसद जो तीन सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रश्न उठाए, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे उदित राज हो, चाहे नाना पटेल हो, उन सबको बाहर का रास्ता कर दिया। और जो नितिन गडकरी जी ने जो बात की थी उन्हें कार्य समिति से बाहर कर दिया। इसलिए तमाम आप आरोप लगाइए जैसे जैसे कहिए। फिर आपने कहा कि मैंने कहा कि हर नेता के अपने प्रशंसक होते हैं। राजेश मेहता जी भी, सचिन पायलट जी के बहुत से लोग प्रशंसक हैं जो अलग पार्टी में भी होके भी उनके प्रशंसक हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस का व्यक्ति विचार के लिए काम करता है, व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगा। हमारा सबसे पहला काम यह है कि जनता के मुद्दों को मुखर करना और दूसरा जो संवैधानिक जो संस्थान है, जो लोकतंत्र है, उसकी बहाली इस मुल्क के अंदर कैसे हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चार जज पहली बार आके कहा था आप जैसे चैनल के माध्यम से, आप जैसे सशक्त जो संपादक है उनके माध्यम से अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सीबीआई के कोर्ट में आपने भी पहली बार रेड दे क्योंकि कोई सीआरपीएफ वहां पे जाती है, सीआईएसएफ वहां पे जाती है। शायद हिमांशु जी हमारा जीवन छोटा हो सकता है लेकिन आपका अनुभव बहुत बड़ा है। आपने पहली बार देखा होगा कि पूरे चुनाव आयुक्त आके कहते हैं कि चुनाव आयोग की कार्यविधि है वो ठीक नहीं जा रही। इसे तमाम चुनौतियां हैं। केंद्रीय एजेंसियां किस प्रकार से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता पे कार्रवाई नहीं की 9 साल में, सिर्फ उन लोगों पे कार्रवाई की जो भारतीय केंद्र की सरकार से असहमति थी। इससे गुजारिश है आप जैसा जो कहेंगे, लेकिन ये संकल्प हमारा है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत देके इस मुल्क को आजाद कराया, इस देश की विविधता को जश्न के तौर पर मनाया। हम इस देश की विविधता को आगे भी जश्न के तौर पर मनाते रहे और उनकी शहादत को निर्थक ना जाने दें और एक जीवंत लोकतंत्र इसको पुनः कायम करें। इस संकल्प को लेकर कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता काम करेगा। ये मेरी आपके सामने गुजारिश है। तो चौधरी साहब मैं माफी चाहता हूँ, आपको मेरे सवालों से ठेस पहुंची, पर मैं तो ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ ताकि कम से कम आम कांग्रेस का कार्यकर्ता तो महसूस करे और वो जिम्मेदार नेता भी महसूस करे कि उनका क्या हुआ पार्टी को कितना भारी पड़ता है। ये शब्द मेरे इस्तेमाल किए हुए नहीं थे चौधरी साहब, जिसमें सचिन पायलट के संदर्भ में बताया था अशोक गहलोत जी ने कि वो दरअसल क्या है। सुलह के संदर्भ में दावा तब भी किया गया था जब राहुल गांधी पदयात्रा के तहत राजस्थान में दाखिल हुए, पर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद देखा कि सचिन पायलट अनशन पर बैठ गए। उसके बाद देखा क्या हमने? देखा ये कि सचिन पायलट पद यात्रा पर निकल गए। उसके बाद हमने देखा क्या? जयपुर के विभाजन के संदर्भ में सरकार के मंत्री ही अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। तो चौधरी साहब आपसे जानना यह है, जब भाजपा में वसुंधरा राजे अगर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोलेगी तो उस पर भी सवाल कर लेंगे। आपके यहां सब दिक्कत यह है कि आपके यहां अपनी ही पार्टी अपने ही नेताओं को कटघरे में खड़ा करने की जो होड़ है, इसलिए सवाल आपकी ओर ज्यादा आ जाते हैं। आप बता रहे हैं कि देश कितने बड़े खतरे में है, आप बता रहे हैं देश के सम्मुख कितनी बड़ी चुनौती है, आप ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा भाजपा है, पर भाजपा से लड़ने के स्थान पर आपकी पार्टी के ही शीर्ष नेता एक दूसरे के गले काटने पर लगे हैं। उस पर हमने सवाल कर लिया तो आप नाराज क्यों हैं चौधरी साहब? आपको हमसे बुरा लग रहा है या अपने नेताओं के किए हुए पे बुरा लगना चाहिए? ये सवाल है। मैं जवाब देता हूँ हिमांशु जी, मैं जवाब देता हूँ। हिमांशु जी आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सचिन पायलट जी के लिए जो कहे वो सही है, लेकिन सचिन पायलट जी ने जवाब दे के कहा कि वो मेरे पिता तुल्य हैं। अगर आक्रोश में किसी गलतफहमी में या जो भी कोई चीजें रही, अगर दो व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कहा और उन्होंने उस बात को कह दिया कि मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे उसके बाद में वो कोई बात रह नहीं जाती। सचिन पायलट जी ने धरना दिया, सत्याग्रह किया, सचिन पायलट जी ने पदयात्रा की, वो उस युवाओं के लिए की जिनका वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर उनकी पदयात्रा से, उनके सत्याग्रह से अगर
भर्ती के संस्थानों को लेके अगर पुनर्मूल्यांकन हो सकता है, अगर उनके नियम रेगुलेशन इस हिसाब से बनाए जा सके जिनसे उनकी पारदर्शिता और साख और बढ़े, तो मुझे लगता है कि जनता की आवाज को मुखर करना चाहिए। आपने सही कहा। मैं रोकूंगा चौधरी साहब, इसके तहत आपकी सरकार में खड़ी होती है। अशोक गहलोत जैसा अनुभवी मुख्यमंत्री होते हुए भी जो युवाओं के लिए कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाया, इसलिए सचिन पायलट को सड़क पर उतरना पड़ा। आप मानते हैं कि हाँ अशोक गहलोत ने समय रहते युवाओं के हित में कदम नहीं उठाए, इसकी सहमति व्यक्त करते हैं चौधरी साहब? मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने भी जो पेपर लीक हुए वो राजस्थान के एसओजी ने, एंटी चीटिंग सेल ने उन पेपर्स के लीक होने को उजागर किया और इनकी घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट में की थी। मुख्यमंत्री जी अप्रैल 2022 को सब कानून विधानसभा में पहली बार देश के अंदर जिसका अनुसरण उत्तराखंड भाजपा शासित राज्य करने को मजबूर है वो लेके आए। हम तो मुख्यमंत्री जी चाहते थे सबसे चर्चा हो। आरपीएससी का व्यक्ति जब संलिप्त पाया गया तो उसे पद पे रहते हुए गिरफ्तार किया राजस्थान की एसओजी ने। अगर उसके बाद में कोई सुझाव आते हैं, कोई बातें होती हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री राजस्थान की आठ करोड़ जनता के लिए जवाब दे रहे हैं। चौधरी साहब चाहते हैं कि अब जिसको भी सुझाव देना है वो सदन में ना दे, जिसको सुझाव देना है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करके नहीं दे। व्यक्ति को अगर सुझाव देना है तो पहले अनशन पे बैठना चाहिए, उसके बाद 100-125 किलोमीटर की पदयात्रा करनी चाहिए, तब मानेंगे कि वो सुझाव देने के लिए आया है। तो कुल मिलाकर ये हैसियत है आपके नेता की राजेश मेहता जी, उन्होंने जो कुछ किया उसको केवल इतने में ही देखा गया और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि आप हैं कौन जो पायलट आपके संदर्भ में इतना बड़ा दावा कर ले रहे हैं। तो थोड़ा राजेश मेहता जी बताइए ना, चौधरी साहब जानना चाह रहे हैं भाई कौन है जो सचिन पायलट को ड्राइविंग सीट पर देख रहा है, सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव देख रहा है। तो राजीव मेहता जी आप ही बताओ। हिमांशु जी, चौधरी साहब हमारे बड़े नेता है, उनको एक छोटे कार्यकर्ता के बारे में हो सकता है जानकारी नहीं हो। मैं पिछले 30 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, 2004 में भारी मतों से पार्षद का चुनाव जीत चुका हूँ, कांग्रेस के विभिन्न संगठन के पदों पर रह चुका हूँ और सचिन पायलट साहब जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो अर्चना जी के साथ मैं मीडिया सेल का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता था। और जानकारी के साथ में राजीव मेहता जी हैं। तो राजीव मेहता जी अब आप बताओ, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आपके नेताजी के पास में उप मुख्यमंत्री का पद और साथ में प्रदेश अध्यक्ष का पद था, आप बार बार कह दे रहे हैं कि पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, आज की पूरी बैठक और बैठक के बाद वेणुगोपाल जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य, इसमें से कहां से आपको दिखाई दे गया कि चुनाव पायलट जी के नेतृत्व में होने वाला है? थोड़ा हम भी तो समझे, इतनी देर से मगज लगा रहा हूं कि भाई कहीं से पायलट साहब के लिए कुछ अच्छा देख पाऊं, बस यही आया पायलट जी के संदर्भ में हाईकमान फैसला लेगा। ये बात तो पिछले 2 साल से हो रही है, वो प्रियंका जी मिली थी वो भी फैसला ले रही थी, राहुल जी मिले थे तब वो भी फैसला ले रहे थे, सोनिया जी के दरवाजे गए थे तब भी फैसला हो रहा था, वो फैसला हो ही रहा है पर फैसला क्या हो रहा है इसका पता ही नहीं चल रहा है। तो मेहता जी आज आप हमें समझाओ, जो बात हम इतना दिमाग लगाकर भी खोज नहीं पाए कि पायलट जी कैसे चुनाव का नेतृत्व करेंगे, आप कैसे नतीजे पहुंचे, अपने नेताजी ही नेतृत्व करेंगे, वो चौधरी साहब को भी जानना बड़ा जरूरी है। हिमांशु जी, आज की जो बैठक हुई उसके बाद वेणुगोपाल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें स्पष्ट कहा था कि राहुल गांधी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, मतलब अशोक गहलोत जी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, जबकि सरकार कांग्रेस की है, अशोक गहलोत जी सीएम है। जिस भी स्टेट में चुनाव होते हैं अगर सीएम जिस भी पार्टी का होता है वही चेहरा होता है, लेकिन यहाँ पे वेणुगोपाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद में हाईकमान तय करेगा। तो राहुल जी का चेहरा सचिन पायलट का चेहरा कैसे हो गया, ये भी बात बड़ी गजब की आपने बताई, राहुल जी के चेहरे पर चुनाव होगा मतलब सचिन पायलट जो है नेतृत्व करेंगे, थोड़ा ये भी समझाओ। बहुत जल्दी देखेंगे कि पायलट साहब के बारे में जो घोषणा होने वाली है उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। चंद बड़ी का अर्थ तो समझाइए ना, क्या बड़ी? कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सचिन पायलट साहब को राजस्थान की भावनाओं के अनुसार बहुत जल्दी बहुत बड़ी जिम्मेवारी देंगे, आपके सामने आ जाएगी। चौधरी साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी का चेहरा है, अशोक गहलोत का चेहरा नहीं है, ऐसा वेणुगोपाल जी ने कहा है। अशोक गहलोत का चेहरा इतना परेशानी भरा हो गया,
हिमांशु जी, मैं कहना चाहूंगा इस पे इतना ही कि जब से मैं राजनीति में हूं तब से कभी भी कांग्रेस पार्टी ने व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पे पेश नहीं किया है। किसी भी सामूहिक चेहरे के तौर पे हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य के जो नेतृत्व हैं, जो नेतागण हैं, सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं। निश्चित रूप से पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, उनका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तमाम मार्गदर्शन करता है और सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव में जाते रहे हैं। विधायक दल का जो नेता है वो विधायक चयन करते हैं और सर्वसम्मति से और बहुमत के आधार पर जो फैसला होता है उसे पार्टी लोकतांत्रिक तो आधार पर। भाई हम तो सामूहिक नेतृत्व ही जाएंगे, अब तो आप चिंता में आ गए होंगे डॉक्टर निमिषा गौड़ जी, तय कर लिया कांग्रेस ने, अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में नहीं लड़ेंगे। और अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में नहीं लड़ेंगे इसलिए राजेश मेहता जी और आरती चौधरी जी भी नहीं लड़ेंगे, अब ये सब मिलकर आपसे लड़ेंगे। अब बताइए क्या करेंगे आप। हिमांशु जी, ये एक ऐसी हवा हवाई है जो बात आके हवा हवा में गुल हो जाएगी, क्योंकि देखिए अभी कुछ महीने पहले ही 90 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। राजस्थान की राजनीति में बार बार भूचाल आता है, बार 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 समझौता होता है, बार बार मध्यस्थता करनी पड़ती है, तो ये वैसी हवा हवाई बात है जिस पर ना आप मैं और मैं नहीं, आम लोग भी विश्वास नहीं करेंगे। मिलकर नहीं लड़ेंगे, ये आपस में लड़ेंगे। और रही बात सुलह की, तो सुलह के तो बार बार आधार बनते हैं लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जा नहीं पाते हैं। दीदी, जब जब सुलह के प्रयास किए जाते तब तब ये कोई कारणवश प्राकृतिक कोई ना कोई ऐसी विपत्ता आ जाती है जिस कारण से जा नहीं पाते। और रही बात लोकतांत्रिक पद्धति, आलाकमान का सिंगल स्टेटमेंट लेकर आए थे ना आपके आपके प्रभारी लोग, तो आपने लोकतांत्रिक पद्धति को दरकिनार करके, आपने अपने आलाकमान की बात को दरकिनार करके मनमानी की थी ना आपने। तो कांग्रेस जो है आजकल थोड़ी थी, जबकि 80-85 का गठन होता है, लेकिन जेपी की शब्दावलियों के प्रयोग के साथ में बीजेपी की रीति को फॉलो करने की प्रयास कर रही है। लेकिन वही वाली बात है, पलटू राम है, अकल पे अकल वाली सब शब्द बोलना नहीं चाहती, लेकिन ठीक है। अब अभी मैं रोड निकलती हूँ, लाभार्थी संवाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी प्रामाणिकता के साथ परिणाम के आधार पर करते हैं वो अब कांग्रेस भी करने चाहिए। तो कांग्रेस जो है आपस में लड़ रही है, इसलिए अब यदि इन्होंने तय किया है कि आलाकमान चेहरा होगा, तो आगे आने वाले दिनों में हिमांशु जी कुछ ही दिनों की बात है, हम फिर डिबेट में देखेंगे, फिर नए स्टेटमेंट के साथ, फिर नई अंतर्द्वंद के साथ कांग्रेस सामने आएगी। कांग्रेस अपने जन्म से लेकर आज तक बटती चली आई है, AIEOU तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तो विखंडित विखंडित पार्टी के राजस्थान में भी के आसार दिख रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब तो यहाँ पर भी नई कांग्रेस का उदय। तो ठीक है, एक बार बताइए डॉक्टर निमिषा जी, ये आपको अपनी पार्टी पे इतना कम भरोसा क्यों है जो आप कांग्रेस के विखंडन की उम्मीद के साथ अपनी संभावनाएं देख रही हैं? अपनी पार्टी को लेके इतनी निराशा या इतनी हतोत्साहित आप क्यों हैं? आप बार बार इस बात पे जोर दे रही है, नहीं नहीं कांग्रेस ही आपस में लड़ेंगे और जब ये आपस में लड़ेंगे तो हमारी बात बन जाएगी, ऐसा क्यों है? डॉक्टर हिमांश, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है जो अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति समर्पित है। हम कांग्रेस जो कि पुराना राजनीतिक दल है और सबसे 7 दशक तक राज किया है, उसकी बात कह रहे हैं हम। और आज भारतीय जनता पार्टी ना कभी विखंडित थी ना होगी, लगातार मां भारती को समर्पित कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। और रही बात कांग्रेस की, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछूंगी इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, AIEOU ने क्या सोच के कांग्रेस को लेकर आए थे, और स्वतंत्रता के बाद भी अपनी उद्देश्यों पे कायम है। इसीलिए अब आप कांग्रेस के संदर्भ में अपन बाद में बात करेंगे डॉक्टर निमिषा जी, थोड़ा सा आप ये बता दें कि कांग्रेस में टकराव, कांग्रेस में एक दूसरे के साथ कलह, इस पर आपका बड़ा ध्यान है, पर लोग आपके यहां भी काफी कलह देखते हैं। वसुंधरा राजे बना मदर्स, ये भी किसी फिल्म से कम नहीं होता है, बड़ा मनोरंजक रहता है। आप उससे उबर गए कि नहीं उबर गए? वसुंधरा जी का कोई रोल वोल तय हो गया क्या? वसुंधरा जी मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा रहेंगी? ये सवाल लोगों के जहन में है, इसके संदर्भ में कोई उत्तर है निमिषा जी? इससे पहले तो वसुंधरा जी चेहरा रहती थी। आप ये मत कहिएगा कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, आपके यहाँ परंपरा रही है,
वसुंधरा जी को चेहरा बनाकर प्रस्तुत करने की, क्या वो परंपरा इस बार रहेगी या वसुंधरा जी से आपका मन भर गया? देखिए डॉक्टर हिमांशु, वो हमारी माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूरी तरह सक्रिय होकर के वो भारत भर में, जैसे झारखंड की प्रभारी बनी है तो वो प्रचार प्रसार करती है, और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि क्या कौन कहां पर क्या करेगा, वो पूरी तरह से हम लोकतांत्रिक पद्धति से करते हैं, पूरी तरह से लोकतांत्रिक। हमारे यहाँ बूथ से लेकर के मंडल तक, मंडल से लेकर जिले राज्य और प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से। आपका शब्द चयन कमाल का है निमिष, आजकल ऐसे शब्द चयन के साथ बोलने वाले प्रवक्ता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, पर शब्द के साथ तथ्य भी चाहिए ना मुझे। आपकी यहाँ बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो देश की यह है कि जो विधायक चुने जाते हैं वो परस्पर बैठकर अपने नेता का चुनाव करते हैं, पर वसुंधरा राजे सिंधिया के संदर्भ में 2003 में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सीधे ऐलान किया था कि हमारी ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा वसुंधरा राजे होंगे। उमा भारती को घोषित किया था मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उसके बाद से जब जब चुनाव हुआ है वसुंधरा राजे सिंधिया ही चेहरा रही है। आपसे सीधा सवाल है निमिष जी, उस समय आप लोकतांत्रिक थे या अब आपने लोकतांत्रिक होने का फैसला कर लिया है, या उस समय वसुंधरा राजे जी पर आपका भरोसा था, अब वो चेहरा इतने भरोसे का नहीं रहा कि राजस्थान में बात बन जाए, इसलिए झारखंड देखिए आप, राजस्थान में हम कुछ और देख लेंगे, ऐसा कुछ है क्या निमिष जी? थोड़ा कुछ हौसला तो चौधरी साहब को भी आना चाहिए ना, आप पूरे समय कांग्रेस की कलह पर ध्यान दे रहे हैं, लोग हैं जो भाजपा के द्वंद्व के संदर्भ में भी निगाह रखते हैं निमिष जी, ऐसा थोड़ी है कि हमारी आपके घर पे ताक झांक की आदत नहीं, सब जगह। देखिए कांग्रेस के कलह के कारण तो राजस्थान की हालत जो बद से बदतर हुई है ना, वो जग जाहिर है। इस कांग्रेस के कलह ने हर विकास की योजनाओं को रोका जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी शासन के शासन काल की थी, और योजनाओं का नाम बदल करके भी ये धरातल पर नहीं लाए। तो हमारा सबसे ज्यादा विरोध इस बात का है कि इनकी आपसी लड़ाई में हमारी जनता। और रही बात हिमांशु जी आपके मूल प्रश्न पर मैं आती हूँ, देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, और अभी चुनावी रण की ओर हम पढ़ रहे हैं। आप देखिएगा हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड आज जो है, अब वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और हमारे तो प्रधानमंत्री जी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं और कहते हैं कि कमल का फूल ही हमारे लिए निष्ठा है। तो हम तो सब, हमारे प्रधान सेवक जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी से लेकर आम कार्यकर्ता, हम सब भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक। जी बात कुछ बनी नहीं भाई, नरेंद्र मोदी जी ये हैं, पर नरेंद्र मोदी जी ज्यादा वरिष्ठ तो आपके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के लिए लालकृष्ण आडवाणी जी रहे। जब अटल जी और लालकृष्ण आडवाणी जी हुआ करते थे ना, तब पार्टी के संसदीय बोर्ड ने फैसला लिया था वसुंधरा राजे राजस्थान में हमारा चेहरा हो। हमने जानना चाहा भाई दो दशक के बाद चेहरा कुछ काला तो नहीं पड़ गया है, चेहरे पे कुछ झुरियां तो नहीं आ गई है, चेहरा कुछ आपको परेशानी भरा तो नहीं लग रहा है, इसको उत्तर नहीं मिला। जब भी आप चाहेंगे तब उत्तर दीजिएगा, लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए अटल जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं। निमिषा जी की जो पूरी उम्मीद है ना, वो कांग्रेस की एक दूसरे का पैर काटने की नहीं, गला काटने की हसरत से। क्या आपको वाकई कोई उम्मीद जागी है आज के केसी वेणुगोपाल के बयान से, क्या अब इनकी सुलह हो गई भाई, अब कलह नहीं, या आज भी केवल एक और बैठक या एक और तारीख के संदर्भ में ही बता पाए केसी वेणुगोपाल? आज भी उन्होंने कहा भूमिका हाईकमान तय करेगा, ये तय करेगा जो है बता रहा है कि अभी कुछ भी तय नहीं हो पाया, क्या कहते हैं? देखिए निशा जी का जो आशावाद है वो उनका अपना आशावाद नहीं है, उनकी पार्टी का आशावाद है, और इसके राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, पूरे देश के संदर्भ में है। जहाँ जहाँ कांग्रेस ही नहीं, और जो क्षेत्रीय दल है उनकी आंतरिक असंतोष, उनके आंतरिक टकराव को बनाने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही। महाराष्ट्र का मैं बार बार आपको उदाहरण देता हूँ, जहाँ पर जो शिवसेना पे छोड़ा, अब एनसीपी टूट गई, भाजपा ठीक है, मतलब राजस्थान में नहीं टूट पाई, भाजपा किसी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में एक डेंट लगा था, एक ईट निकल गई थी, जो चले गए थे भाजपा खुश है,
तो भारतीय जनता पार्टी का आशावाद तो प्रतिपक्षी जो उनके प्रतिद्वंदी दल है उनके आंतरिक लड़ाई के लेकर है, लेकिन मैं बार बार कांग्रेस की इस बात के लिए तारीफ करना चाहूंगा कि कांग्रेस के हाईकमान में इतनी तमाम सारी दूसरी परिस्थितियों के बाद, आपने इनका सबका उदाहरण दिया कि इस्तीफे हुए, राजस्थान में पद यात्राएं हुई, धरने प्रदर्शन हुए कांग्रेस की, इसके बावजूद जहाँ पर ऑपरेशन लोटस जैसा एक कोई हुआ होता था देश में, उसको कामयाब नहीं होने दिया और चुनाव की दहलीज तक वो अपनी पार्टी और पार्टी की सरकार को ले आए। तो अभी जो ताजा बैठक हुई है इससे ये निश्चित तौर पर सचिन पायलट जी की भूमिका का अभी अंतिम निराकरण नहीं हुआ है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि सचिन पायलट के लिए अब कांग्रेस से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, उन्हें इसी कांग्रेस में लेकर के आगामी विधानसभा चुनाव में अपना अपने समर्थकों का भविष्य तय करना पड़ेगा, और अब उनमें इतना साहस नहीं बचा है कि वो अपनी नई पार्टी बना लें या भारतीय जनता पार्टी की गोद में। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं राघव अचल जी। अचल जी बोल रहे हैं कि समय इतना काट लिया कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कि सचिन पायलट के पास अब कांग्रेस में बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो मैं आखिरी चर्चा के लिए डॉक्टर आरती चौधरी साहब आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं, राजेश मेहता जी जितनी भी उम्मीद के साथ रहे, पायलट साहब के लिए हम क्या उम्मीद करें? उनके कुछ लोगों को टिकट विकेट देंगे या अब उनके टिकट इसलिए खतरे में है पायलट साहब भरोसे के लायक नहीं रहे? ज्यादा उनके लोग हो गए तो कब भाजपा के साथ हो जाए ये डर सताता है। तो इसलिए क्या देखें, पायलट साहब के लिए राह बड़ी मुश्किल कर दे? हिमांशु जी, मैं कहना चाहूंगा कि के सी वेणुगोपाल जी की जो प्रेस वार्ता अगर सुनी हो तो उन्होंने सीधा कहा है कि हमारे लिए प्रत्याशी चयन में उनकी जो विजय की कितना हिस्सा है वो महत्वपूर्ण रहेगा। जनता और पार्टी के कार्यकर्ता की आवाज प्रत्याशी चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी और ये जो तमाम जो सर्वे हैं उनके आधार पे होगा। व्यक्ति प्रत्याशी का चयन नहीं करेगा, उस विधानसभा क्षेत्र की जनता और उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज प्रत्याशी चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। एक बार बताइए, ये आपके लिए जिताऊ महत्वपूर्ण रहेगा या टिकाऊ महत्वपूर्ण रहेगा? क्योंकि कांग्रेसों के संदर्भ में बिकाऊ को लेकर भी बहुत बात होती है, भाई जीते कांग्रेस के चिन्ह पर और जाए निमिषा जी के चिन्ह पर, तो ये सवाल है ना। तो आपने तो बड़े आसानी से कह दिया, जो जीतने वाला होगा उसे टिकट देंगे या जो जीतने के बाद भी हमारे साथ रहेगा उसको टिकट देंगे, इतना और आप बता दें चौधरी साहब, कुछ अनुभव से सबक वबक लेने का इरादा है या ऐसे ही चल देने का इरादा है? हिमांशु जी, आपका प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब देखते हैं 29 जून को देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वहां पे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा लगा है, एनसीपी पे 71,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था। आज राजस्थान में हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता पूछ रही है कि जो व्यक्ति जेल में था, जो जमानत पे है, उसे मंत्री कैसे बना दिया? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा और मुझे लगता है कि कांग्रेस के विचार का व्यक्ति इन तमाम एजेंसियों का सामना करेगा। इन केंद्रीय जो एजेंसियां हैं जिन जिन जगह पे गई, एक बड़ा इतिहास है, कभी अपन इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन ये तो निमिषा से पूछिए कि आप कह रहे थे मुझे भ्रष्टाचार पे प्रहार की गारंटी है, मोदी जी इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि हम हमारे साथ मिल जाइए, हम मंत्री बनाएंगे और आपके लगे हुए तमाम जो भ्रष्टाचार के दाग है वो हमारी लॉन्ड्री से साफ हो जाएंगे, सफेदी चकमका जाएगी। इसके इसका बेहतर जवाब निमिषा जी दे पाएंगे। इसका जवाब हम फिर किसी कार्यक्रम में लेंगे, लेकिन आपने बताया नहीं, आप केवल जिताऊ पे ध्यान देंगे या साथ साथ टिकाऊ पे भी ध्यान देंगे, इस पर विचार कीजिएगा चौधरी साहब। लेकिन आज की बातचीत का कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि कांग्रेस समय गुजार रही है और समय गुजारने के साथ साथ सचिन पायलट के विकल्पों को खत्म करती जा रही है। सचिन पायलट कांग्रेस के साथ बने रहने के लिए मजबूर हों, इस दिशा में कांग्रेस की रणनीति या अशोक गहलोत की रणनीति कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, ये राघव अचल जी बता रहे हैं। लेकिन साथ होते हुए भी क्या साथ काम करने के हालात कांग्रेस हाईकमान बना पाएगा? क्या सचिन पायलट जिस तरीके से 2013 से 2018 तक पसीना बहाए थे, क्या 2023 के चुनाव में भी वैसा ही पसीना बहाने के लिए तैयार होंगे? क्या कांग्रेस हाईकमान इस युवा को उसका मेहनत का वो पारिश्रमिक वाकई दे पाएगा जिसकी अभिलाषा सचिन पायलट और उनके समर्थक राजेश मेहता जैसे लोग पाले हुए हैं? और अगर ये सब कुछ साझा हो गया और ये जुगलबंदी बन गई तो निमिषा जी की पार्टी क्या वाकई
राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को बनाए रख पाएगी? सवाल है, इनको उत्तर आने वाले समय में मिलेंगे। हम निगाह बनाए रखेंगे और समय समय पर आपको याद करते रहेंगे। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर इस हालात को लेकर कुछ यूं है कि मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए, मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए बन गई है मसला सारे जमाने के लिए। जफर गोरखपुरी ने क्या कमाल की बात कही। सचिन पायलट जब भी लेटते होंगे तो इस शेर को गुनगुनाते होंगे। उनकी एक छोटी सी हसरत थी, वो हसरत देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किस तरीके से परेशानी का सबब बनी हुई है। ये देश पिछले कुछ सालों से लगातार देख रहा है। देखें सचिन पायलट की हसरत पूरी होती है या उनकी पार्टी इस मसले को सुलझा पाती। इंतजार रहेगा हमें इसके समाधान का। बहरहाल आप मुझे दिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के बाद। तब तक के लिए सलाम।